साथियों, आज यहां मुझे जम्मू के विकास को नई गति देने वाले 6000 करोड़ रुपए के अनेक प्रोजेक्ट के शिलान्यास का और लोकार्पण का अवसर मिला। जम्मू में बनने वाला एम्स, इंजीनियरिंग कॉलेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का नया कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर के अन्य प्रोजेक्ट्स यहां के लोगों के जीवन को सरल और सुगम बनाने में मदद करेंगे। भाइयों और बहनों, ये जो 750 बेड का अत्याधुनिक एम्स यहां बनने जा रहा है, इससे जम्मू वासियों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं तो मिलेगी ही, शहर के दूसरे मेधावी छात्रों के लिए अनेक नए अवसर भी बनेंगे। एम्स के साथ साथ अनंतनाग, बारामूला, डोडा, कठुआ और रजौरी में 5 मेडिकल कॉलेजों को बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इन कॉलेजों के लिए केंद्र सरकार ने 750 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड जारी कर दिया है। इन कॉलेजों में जल्द ही पढ़ाई भी शुरू होगी। इसका मतलब होगा कि राज्य में एमबीबीएस की 500 सीटें और बढ़ेगी। आप चाहते हैं ना मेडिकल कॉलेज में यहां के बच्चों को अवसर मिले, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सुनाई नहीं देता है? सुनाई देता है? पक्का? जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल में 500 ही एमबीबीएस की सीटें थी, जो भाजपा सरकार के प्रयास के बाद अब 2 गुनी से भी अधिक होने वाली है। एम्स मेडिकल कॉलेज के अलावा कठुआ का इंजीनियरिंग कॉलेज और जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का नया कैंपस यहां के युवा साथियों को प्रोफेशनल एजुकेशन के नए अवसर देने वाले हैं। मुझे बताया गया है कि यहां पर आईआईटी की बिल्डिंग का काम भी पूरा हो गया है और आईआईएम के बिल्डिंग के लिए काम शुरू होने जा रहा है। साथियों, केंद्र सरकार युवाओं को समान अवसर देने के लिए समर्पित है। हाल में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए शिक्षा और सरकारी सेवाओं में सामान्य वर्ग के गरीब युवाओं को 10% आरक्षण देने का काम किया गया है। इससे जम्मू के भी अनेक मेधावी गरीब युवा नौजवानों को लाभ होने वाला है। इसके अलावा सरकार देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में करीब करीब 25% सीटों में भी वृद्धि करने जा रही है।